गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए फिर से न्यू वीडियो लेकर जिसमें आप लोग को इस वाले स्टेट ऑफ का फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ तो अगर आप, अगर आप कुछ इस तरीके का स्टेट ऑफ बनाना चाहते हैं तो वीडियो में तक बने रहना और चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैलाकन को प्रेस कर लेना तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अलाइट मोशन मौसम की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आपको डाउनलोड कैसे करना है मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ एंड डाउनलोड करने के बाद गई आप लोग यहाँ पे कुछ प्रिशिएट वगैरह इंपोर्ट कर लेना है ठीक है तो यहाँ पे आप लोग को पहले गूगल पर चले जाना है एंड यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को एस बी टेक वायरटी सर्च करना है देन सर्च करने के बाद गई यहाँ पे वेबसाइट जो है हमारा देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप लोग को विजिट करना है ठीक है देन विजिट करने के बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है अगर आप लोग के पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप यहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे जो उसका पेज है आप लोग को देखने को मिल जाता है देन यहाँ पे गई जो प्रिशिएट मैंने दे रखा है उसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप लोग को इस वाले वीडियो का जो यहाँ पर पेज है वो देखने के आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे आप लोग को इसको विजिट करना देन यहाँ पे आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे आने के बाद गए जो आप लोग को यहाँ पे देखिए इंपोर्ट प्रिशिएट का आप लोग को ऑप्शन मिलेगा दोनों को आप लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो पहले मैं यहाँ पर भूपाक वाले को आप लोग को करके बताता हूँ तो यहाँ पे आप लोग को गई इम्पोर्ट प्रिशिएट पर क्लिक कर देना है ठीक है एंड यहाँ पे क्लिक कर दे कुछ इस तरीके से फिर हो जाता है तो यहाँ पे अलाइट मोशन में कुछ इस तरीके से इडायरेक्ट हो जा हो जाएगा फिर इसके बाद आप लोग को इस यहाँ पर इम्पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे आप लोग को इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है एंड इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट रहे वाला रहेगा जो फेक इफेक्ट वाला उसको भी आप लोग को यहाँ से इम्पोर्ट करना है तो फिर से आप लोग को वेबसाइट पर ही चले जाना है एंड तो यहाँ से आप लोग को जो फेक इफेक्ट वाला रहेगा उसको भी आप लोग को इम्पोर्ट प्रिशेट पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करते ही फिर से कहीं इस यहाँ पे इस तरीके से रिडायरेक्ट हो जाएगा एंड इतना होने के बाद आप लोग को देखिए यहाँ पे इस पर भी आप लोग को इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे दोनों प्रिशिएट इस तरीके से इम्पोर्ट हो जाता है फिर आप लोग को यहाँ पे इतना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से आप लोग को सिंपली बैक आ जाना है ठीक है तो यहाँ से बैक आना यहाँ पे आने के बाद कई आप लोग को यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर चले आने यहाँ पे आने के बाद आप लोग को देखिए यहाँ पर बुक जो आप इम्पोर्ट किए रहोगे बुक मार्क उसको कस यहाँ पे अब हमें लिरिक्स लिखना है ठीक है तो इसके लिए आप लोगों को पहले बैक आना है एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोग का जो न्यू इफेक्ट न्यू इफेक्ट वाला रहेगा उसको आप लोग को ओपन कर लेना है तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का आप लोग को ओपन होकर आ जाएगा इसके बाद भी आप लोग को इसको कॉपी करना है ठीक है तो कैसे करना देखिए इस पर क्लिक करना जो लिरिक्स लिखा है दोनों को आप लोग को इस पर क्लिक करके रखना है ठीक है लॉन्ग प्रेस करना दोनों सेलेक्ट हो जाएगा फिर आप लोग को इसको कॉपी करना है तो इस पर क्लिक करना देन यहाँ से आप लोग को कॉपी टू लेर पर क्लिक कर देना है यहाँ पे कॉपी हो जाता है फिर जस्ट यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है ठीक है एंड बुक मार्क्रीड जो रहेगा उसको आप लोग को ओपन कर लेना है फिर आप लोग को जस्ट स्टार्टिंग में ही आ जाना है देन इस पर आप लोग को फिर से क्लिक करना है देन यहाँ से आप लोग को पेस्ट पेस्ट लेयर कर देना है देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा फिर गई आप लोग को देखिए यहाँ पर जो सेकेंड बुक मार्क है सॉरी फर जो फर्स्ट वाले वो कुछ यहाँ पे है तो ये वाला जो है उसको आप लोग को खींच के यहाँ पे लेके आ जाना है ठीक है तो यहाँ पे कुछ इतना आ जाता है फिर आप लोग का इसका जो लेंथ है इस वाले का उसको आप लोग को यहाँ तक के बढ़ाना होगा तो इस पर क्लिक करना इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना देन इसको आप लोग को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है देन गई ये वाला जो रहेगा उसको आप लोग को नेक्स्ट वाले बुक मार्क तक के यहाँ तक के लेके आ जाना है तो इस पर क्लिक करना इस पर क्लिक करना देन इसको आप लोग को इस तरीके से बढ़ा लेना है ठीक है तो इतना हो जाता है देन अब आप लोग को यहाँ पे इसका जो लिरिक्स वगैरह रहेगा वो यहाँ से टाइप कर लेना है यहाँ पे लिरिक्स लिखने के लिए गाइस आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक करना है ठीक है एंड यहाँ पे क्लिक करने बाद आप लोग को एडिट टेस्ट पे चले आना है यहाँ पे आप लोग को पहले पूरा मिटा लेना है जो लिरिक्स का जो भी पहला लाइन रहेगा उसको आप लोग को यहाँ से टाइप कर लेना है कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे इतना करना है देन यहाँ से आप लोग को गाइस सिंपली इसको इस तरीके से करने बाद अगर आप यहाँ पर इमोजी वगैरह देना चाहो तो यहाँ से दे भी सकते हो ठीक है जो आप लोग को ठीक लगे आप यहाँ से ले सकते हो देखिए इस तरीके से देन यहाँ से इसको सिंपली डन कर लेना है तो इतना हो जाता है फिर जो आगे का रहेगा देखिए यहाँ पे इतना तो हो चुका है आप लोग का जो आगे का रहेगा उस पर आप लोग को क्लिक करना है एडिट टेस्ट पे आना है देन यहाँ पे आप लोग को आगे का जो लिरिक्स रहेगा उसको आप लोग को यहाँ से टाइप कर लेना है ठीक है तो कुछ इस तरीके से करना है देन यहाँ से कहीं आप लोग का ये भी जो है कम्प्लीट हो जाता है यहाँ से मैं कुछ इमो इमोजी वगैरह है वो दे देता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देना है ठीक है स्टार्टिंग में भी एक मैं लगा देता हूँ इस तरीके से देन यहाँ से इसको आप लोग को डन कर लेना है तो कहीं इतना काम जो है हो जाता है अब देखिए इसको आप लोगों को इन दोनों को फिर से कॉपी कर लेना है ठीक है तो इस पर जस्ट आप लोगों को इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है इन दोनों पे देखिए इस तरीके से इस वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है देन कॉपी टू लेयर कर देना है अब नेक्स्ट वाले आप लोग को बुक मार्क पर चले आना है देखिए यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है देन यहाँ से आप लोग को फिर से पेस्ट टू लेयर कर देना है तो यहाँ पर इतना हो जाता है देन इसको जो है आप इस आप लोग इस पर क्लिक करना है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर आना देन इसको आप लोग को यहाँ तक बुक मार्क तक के लेके आ जाना है तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है इस वाले लिरिक्स पे क्लिक करना है देन यहाँ पे आप लोग को बुक मार्ग पर रहना है ठीक है देन इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है तो ये भी कुछ यहाँ तक के आ जाता है देन इसको आप लोग को कुछ यहाँ तक के रखना होगा ठीक है तो इस पर क्लिक करना फिर से आप लोगों को इसको किस इस तरीके से आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा तो कुछ इतना हो जाता है अब कई यहाँ पे एक और जो लिरिक्स है बच चुका है उसको भी मैं यहाँ पर से फटाफट से टाइप कर लेता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ कि आगे करना क्या होगा तो ये वाला मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ और इस पर इस तरीके से क्लिक करके आप लोग को इस तरीके से कॉपी लेयर करना है देन यहाँ पे आप लोग को जो एंड में बचा रहेगा उस पर आप लोग को चले आना है यहाँ पे देन यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है तो इसका आप लोग का जो लेंथ है यहाँ तक जहाँ तक बुक है वहाँ तक के लेके आ जाना है देखिए यहाँ पे इस तरीके से फिर आप लोग को यहाँ पे एडिट टेस्ट पर क्लिक करना है जो भी लिरिक्स रहेगा उसको आप लोग को यहाँ से टाइप कर लेना है तो इतना हो जाता है देखिए यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद आप लोग इमोजी वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो फिर यहाँ से आप लोग को डन कर देना है अब बस यहाँ पे इतना जो काम है कंप्लीट हो चुका है अब आप लोग को यहाँ पे फोटो ऐड करना है तो इस पर क्लिक करना यहाँ पे बुक मार्क पर चला आएगा फिर आप लोग को यहाँ पे कहीं प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर चले आना है न अगर आप लोगों को जो भी मॉडल का फोटो रहेगा उसको आप लोग को यहाँ सेलेक्ट सेल कर लेना है ठीक है तो फर्स्ट फोटो लेना फिर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको फिल कम्पोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट वाले एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना आगे का पार्ट आप लोग को इस पर क्लिक करके कट कर देना है फिर से प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर आना नेक्स्ट वाला फोटो जो रहेगा उसको आप लोग को यहाँ से सेलेक्ट करना है थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको फिल कम्पोजिशन एरिया पर क्लिक करके इस तरीके से कट कर देना है इसी तरीके से कैसे आप लोगों को एक एक करके सही फोटोज को यहाँ से ऐड कर लेना है ठीक है यहाँ पे कैसे इसी तरीके से आप लोग को एक एक करके सही फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है ठीक है जहां तक कि आप लोग का म्यूजिक रहेगा एक एक फोटो यहाँ पे ऐड करते जाना तो मैं यहाँ से कुछ फोटोज लेता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ कि आगे करना क्या होगा तो इस तरीके से कश जहाँ तक कि आप लोग का म्यूजिक रहेगा यहाँ तक कि आप लोग को फोटो ऐड कर लेना है एक एक करके ठीक है इसके बाद आप लोग को यहाँ से सिम की यहाँ पे इफेक्ट इफेक्ट जो है अप्लाई करना है फोटोज़ फोटोजे तो यहाँ पर आप लोगों को पहले बैक आ जाना है न्यू इफेक्ट आप लोगों को ओपन कर लेना न्यू इफेक्ट वाला जो प्रिशेट रहेगा उसके बाद आप लोगों को काइ जो सेकेंड वाला रहेगा देखिए वाला उसको आप लोगों को कॉपी करना है तो इस पर क्लिक करना इफेक्ट पर क्लिक करना देन थर्ड ऑट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर देना देन यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है फिर आप लोग को वही वाला ओपन कर लेना है जो आप एडिट कर रहे हो देन इसके बाद आप लोगों को गाइस यहाँ से किस तरीके से आप लोगों को लगाना गाना है बताता हूँ पहले आप लोगों को फर्स्ट फोटो छोड़ना है नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना पे क्लिक करना है इफेड पर क्लिक करना थर्ड ऑट पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है फिर से आप लोग को एक फोटो छोड़ना है नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करना थर्ड डॉट पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है फिर से जस्ट एक फोटो छोड़ के नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है एंड यहाँ से पेस्ट कर देना है तो इस तरीके से गाइस आप लोग को एक एक फोटो छोड़ के सभी पे अप्लाई कर लेना है ठीक है एंड इतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है तो इतना हो चुका फिर आप लोग को यहाँ से बैक आना है इसके बाद गए आप लोग को जो यहाँ से फिर से न्यू इफेक्ट वाला आप लोग को प्रीसेट जो है ओपन करना है फिर आप लोग को यहाँ पे जो थर्ड सॉरी यहाँ से जो ये वाला दिख रहा है जो फर्स्ट वाला इसको आप लोग को कॉपी करना है तो इस पर क्लिक करना है इफेक्ट पे क्लिक करना थ्रीड डॉट पर क्लिक करके इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना देन यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है एंड इसके बाद आप लोग को ये वाला फिर से ओपन कर लेना है इसके बाद भी आप लोग को जो फर्स्ट फोटो रहेगा ठीक है यहाँ पे आप लोग को इस पर अप्लाई कर देना है तो इस पर क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करना थ्रीडॉट पे क्लिक करके पे पे कर इसको पेस्ट कर देना है इसके बाद आप लोग को यहाँ पे तीन फोटो छोड़ना होगा तो एक दो तीन फोटो छोड़ना फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करना थ्रीड पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है फिर से आप लोग को तीन फोटो छोड़ देना है नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करना थ्रीडॉट पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है तो इतना काम इसका हो चुका है वो आप लोग को यहाँ से सिंपली बैक आ जाना है एंड जो थर्ड वाला रहे उसको आप लोग को कॉपी कर लेना है ठीक है तो इस पर क्लिक करना देखिए इफेक्ट पे क्लिक करना थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना देन यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है एंड फिर से वही वाला ओपन करना फिर आप लोग को जो भी फोटो आप बच जाते हैं उस पर आप लोग को ये वाला इफेक्ट जो है अप्लाई कर देना है तो यहाँ से जो जो फोटो बचे हुए हैं उनमें मैं ये वाला गाइस जो है अप्लाई कर देता हूँ ठीक है तो जस्ट इसी तरीके से आप लोग को फिर से पेस्ट कर देना है इस तरीके से ठीक है इसके बाद आप लोग का वीडियो जो है कंप्लीट बनकर रेडी हो जाएगा और कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगे फिर आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है फिर आप लोग को यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा सेव पे क्लिक करना आप लोग का वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा तो चलेगा इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे